भगवान के शरण में आने में बहुत अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल वीलॉग में। और थोड़ा सा विंटर्स में मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से घर में बैठी हुई थी और कुछ ऐसे जरूरी काम थे जो बहुत जरूरी थे और वो करने थे, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ बाहर। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो मैं विंटर्स में हर साल करती हूँ, और क्योंकि वीलॉग इस साल से स्टार्ट किया है तो इसलिए आप इस साल से देख रहे होंगे, पर ये हर साल का काम है मेरा। और ये जो काम है ये पहले अविष्का के स्कूल से भी हो जाया करता था, मतलब कि विंटर्स में अक्सर जो है जो गरीब होते हैं, जो रोड के किनारे होते हैं, उनको कपड़ों की जरूरत होती है, तो उनको मतलब उनके पास अगर कपड़े, तो मेरे पास जो है कुछ कपड़े अविष्का के हैं जो छोटे हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो कपड़े हैं। और कुछ अभी के पापा के कपड़े हैं, कुछ मेरे हैं जो डल पड़ जाते हैं, तो कुछ तो ये सारे जो कपड़े हैं ना अविष्का के कपड़े, तो सारे नए ही नए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और तो मैंने ये जो कपड़े हैं ले लिए हैं, कुछ इस तरह के अविष्का के सॉक्स बनाए थे मैंने अपने हाथों से बनाए थे, तो ये सारे उन छोटे छोटे बच्चों को मैं दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के कपड़े मैं जो है उनको देने जा रही हूँ। तो ये देखिए अविष्का की इस तरह से ना, ये जो जितनी स्कीवीज हैं और ये इस तरह की, ये काफी छोटे हो गए हैं, तो ये सारे बिल्कुल नए ही है, नए हैं। और ये ट्राउजर है अविष्का की, कुछ कैप्स हैं और ये फुल टी शर्ट्स हैं। तो इस तरह के कपड़े जो छोटे पड़ गए हैं, ये सारे कपड़े मैं जो उनको दे दूंगी। और इस तरह के काम करने से बहुत ही मन को संतुष्टि मिलती है, और जब मौका मिले तो जरूर ऐसे काम कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको रख लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं निकल गई हूँ और अभी तो मैं घर से जस्ट निकली हूँ और ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरा बढ़ता जा रहा है। पर ये काम जैसे कि मैंने अभी के पापा के पास टाइम नहीं था, पर मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे कहा कि थोड़ा टाइम निकाल करके ये काम कर लें, क्योंकि विंटर्स जो है अभी स्टार्ट हो रहे हैं और विंटर्स का जो मतलब कहते हैं कि एक चढ़ाव होता है वो अभी है, तो इसलिए अभी करना ये ज़रूरी है। और देखिए कितना अंधेरा होता जा रहा है। फ्रेंड्स, हम जो है मतलब कि मैं जो है ढूंढ रही हूँ, क्योंकि ऐसी लोकेशन पे, क्योंकि अंधेरा है और अंधेरे में लोग जो है जल्दी घरों में चले जाते हैं और हमें थोड़ा सा लेट हो गई है। और पर इस समय ही पता चल पाता है, एक्चुअली अंधेरे के टाइम में पता चल पाता है कि कौन जरूरतमंद है और कौन जरूरतमंद नहीं है, क्योंकि हमेशा तो फिर जब हम आते हैं ना तो फिर क्या होता है कि सब लोग लेने को तैयार होते हैं, पर बात यह है कि जरूरतमंद की। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि गाड़ी से हमें जो भी दिख रहा है जरूरतमंद, हम उसको कपड़े दे रहे हैं, क्योंकि जब हम ये चलते जा रहे हैं तो हमें कोई ना कोई अंधेरे में इस तरह से ठिठुरता हुआ और कांपता हुआ मिल जा रहा है। और बाकी जो कपड़े हैं जो नहीं लगेगा कि फिर नहीं हो पा रहा है, तो हम वहां पर मंदिर में जाएंगे, साईं बाबा मंदिर है और बहुत से हमारे मंदिर है, वहां पर जाएंगे और वहां पर दे देंगे। तो थोड़ा सा मतलब बस आज यही काम करना है, क्योंकि ये काम जो है बहुत जरूरी है। दिसंबर की ठंड दिल्ली में बहुत ज्यादा होती है और इस ठंड से बचने के लिए मतलब सरकार जितना कंबल वगैरह बांट सकती है बांटती है, पर उसके अलावा जो है हमारे जैसे लोग हैं जिनके पास कपड़े हैं वो दे भी सकते हैं। और यहाँ पर ये साईं बाबा का मंदिर, यहाँ पर हम आ चुके हैं, भगवान जी का मंदिर। तो काफी अंधेरा हो चुका है इस समय, बहुत अंधेरा क्या मतलब लाइटें जल रही हैं, पर सन्नाटा है बिल्कुल, हर जगह सन्नाटा मिलेगा आपको।
और यहाँ पर बच्चे जो है वो बैग के लिए लड़ाई कर रहे थे, जबकि मेरे पास एक ही बैग था। तो फाइनली मुझे जिसकी ज़रूरत लगी कि मुझे इसको बैग देने की ज़रूरत है, तो मैंने उसको बैग दे दिया और मैं चलती हूँ मंदिर की तरफ साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। और मैं जा रही हूँ साईं बाबा के मंदिर में, वहाँ अलाव होगा कैमरा तो दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है अलाव होना। और साईं बाबा के तो दर्शन हो गए। मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं जो है साईं बाबा के दर्शन कराऊं, तो यहाँ पर तो साईं बाबा के दर्शन हो गए हैं। और यहाँ पर आने के बाद मुझे बड़ी शांति मिलती है और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। और साईं बाबा के मंदिर से निकलने के बाद जो है वो साइड में और भी एक मंदिर है, मतलब कि उसी एरिया में बना हुआ ये मंदिर है, जहाँ पर बहुत सारे भगवान हैं। और यहाँ पर मतलब कि खाटू श्याम और यहाँ पर कृष्ण, राधा कृष्ण, काली जी और बहुत सारे भगवान हैं यहाँ पर, तो उनके भी दर्शन मैं कर लेती हूँ यहाँ पर साथ ही साथ। और ये मंदिर इसलिए शांत है क्योंकि जो है यहाँ पर थर्सडे को, तो मतलब बृहस्पतिवार को, साईं बाबा के दर्शन के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और हम जो है वो थोड़ा सा लेट हैं, मतलब कि सब कुछ काम करते करते हमें थोड़ा लेट भी हो गया। और नजफ़गढ़ के एरिया में वैसे भी 6 से 7 बजे के बीच में जो है सब कुछ बंद हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा जो है बहुत देर तक यहाँ पर ना मार्केट खुली होती है और ना ही पर बहुत देर तक मंदिर खुले होते हैं, मतलब कि विंटर्स में क्या समर्स में भी यहाँ पर 7 बजे तक पूरी मार्केट क्लोज़ हो जाती है। और पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता आज तक, तो फिलहाल मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ, पर बहुत जल्दी यहाँ पर एरिया या फिर सेफ़ नहीं है, इस वजह से ऐसा है। तो मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी 7 ही बज रहे हैं, पर देखिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया है। पर मुझे तो दर्शन करने से मतलब है और तो मैंने यहाँ दर्शन कर लिए। मार्केटिंग वगैरह करनी होती है तो मैं बहुत पहले आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एरिया जो है बहुत जल्दी क्लोज़ हो जाता है। तो यहाँ तो मंदिर है, मंदिर में तो कभी भी आ सकते हो आप, जब भी चाहें। तो यहाँ पर दर्शन हो गए हैं और बस साईं बाबा, और हो गई मन को तसल्ली। फ्रेंड्स, जो है इस मंदिर में आके इतनी शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मतलब भीड़ का जो टाइम है निकल गया है, तो इस साइड में मंदिर में हर तरफ जो है शांति शांति है और चारों तरफ भगवान ही भगवान है। तो कुछ अच्छे काम करने के बाद जो है भगवान के शरण में आने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मुझे साईं बाबा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मंदिर की मान्यता भी है, इसलिए अक्सर मैं इस मंदिर में आती हूँ और यहीं पर पूजा करती हूँ। तो बस भगवान तो हर जगह होते हैं, किसी भी मंदिर में होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी की मान्यता कम और ज़्यादा है, पर हाँ भगवान के कहते हैं कि गोद में जो और भगवान के शरण में जो शांति है ना, वो कहीं पर भी नहीं है। यहाँ ये साईं बाबा है ना, ये जो दिखाया कि यहाँ पर पात्र में खिचड़ी बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है खिचड़ी यहाँ पर बटती है, और क्योंकि शाम को बटती है यहाँ पर, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है तो ये वाला सेक्शन बंद हो गया है, वरना यहाँ पर खिचड़ी बिकती है। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ये जो पात्र है जो दिखाया गया है, इसी तरह से खिचड़ी बटती है और कम नहीं पड़ती है। और साईं बाबा की खिचड़ी बताऊँ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो भगवान ने यहाँ पर ये दिखाया है, साईं बाबा ने दिखाया है कि ये जो है भंडार उनका हमेशा भरा रहता है और कितना भी बांटो वो बढ़ता ही जाता है। और हो गई, अब पूजा पाठ तो हो गया, पूजा पाठ के बाद अब पेट की पूजा है, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। और ये यहाँ का जो फेमस है मैं दिखाती हूँ, और अभी बता तो रही हूँ, इससे मैं बिल्कुल खाली कर लिया है, क्योंकि नजफ़गढ़ का एरिया है, नजफ़गढ़ के एरिया में बहुत जल्दी जो है वो चीज़ें शांत हो जाती हैं, तो यहीं पर आते हैं हम खाने के लिए, मंदिर के बिल्कुल बगल वाली जगह में। तो चलो कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। तो अविष्का गई है कुछ ऑर्डर करने के लिए अपने मन का। अविष्का की सैंडविच, क्रीम खा रही, खांसी भी लग रही है, हैं, खा लो खा लो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो समोसे बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब ये आलू के साथ क्या मिला हुआ है, बिल्कुल
बिल्कुल अजीब से है पर अच्छे लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। क्यों अच्छे लग रहे थे मुझे? अच्छे टेस्टी चिल लगे पड़े खाने में, बिल्कुल ध्यान नहीं है। फ्रेंड्स जो आज काम किया ना, रियल में उसको काम करने में इतनी संतुष्टि मिली, अपार आनंद इतना ज़्यादा कि जितना मॉल में खाना या फिर अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छे लोगों से मिलने से नहीं मिलती ना, उन सब इन चीज़ों से मिलती। और दुनिया में वो सारे काम करने चाहिए जिससे हमें लगे कि मतलब आपको संतुष्टि मिलती, आत्मसंतुष्टि मिलती, जो मुझे आज मिली है। और मन थोड़ा आसान था कई दिनों से, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऐसे काम भी कर लिए जाए। और मैं हर साल करती हूँ तो मेरे लिए इट्स नॉट बिग थिंग कि ये नई बात है, पर हाँ हर साल ही करती हूँ मैं बेसिकली। तो उम्मीद करती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के मन जो है वो बदल जाएंगे। कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं ऐसी नहीं हूँ, कुछ लोग लिखते हैं नौटंकीबाज हूँ मैं, तो मैं बता दूँ ये सब करने के लिए मैं इतनी नौटंकीबाज नहीं हूँ कि ये सब करने के लिए, दान दक्षिणा करने के लिए, क्योंकि जो हम करते हैं इस दुनिया में वही हमको वापस मिलता है और वही सारा आपके साथ आना है। तो बस मुझे लगता है आप लोग के थोड़े विचारधारा मेरे लिए चेंज होंगे और लोगों को समझ में आएगा कि ये नौटंकी नहीं है। व्लॉग में जो करती हूँ वो दिखाना जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इसी तरह हंसते मुस्कुराते, आप लोग की हंसी को देखते हुए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने नए नए व्यूअर्स आए हैं ना जिनको व्लॉग अच्छे लगे, सारे लोग सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, बाय बाय।